हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सुनना आई है इसकी जो करंट अफेयर कंपाइलेशन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से समाधान आती है उसका अनबॉक्सिंग तो करेंगे ही, इसके साथ बाकी सारे एस्पेक्ट को भी देखेंगे, रिव्यू भी हम करेंगे और सारा कंटेंट देखेंगे, क्या कंटेंट मिलता है, नहीं मिलता है, पेज क्वालिटी क्या है, मतलब पूरा कंप्लीट सोल्यूशन इस पर वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि पूरा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव हम इसमें रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए वन स्टॉप हो सकता है अगर आप सुनना है इसके करंट अफेयर, या फिर अगर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर कंपाइलेशन ढूंढ रहे थे तो उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें, जैसे कि अगर आप हमसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर आप जाके इनक्रेडिबल अभिषेक 10 सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी, तो उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो आप हमेशा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बाकी उसमें यूज़फुल कॉन्टेंट भी देते रहते हैं हम लोग। और टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल ASIS आपको सर्च करने की ज़रूरत है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वो आप लोग के लिए हैंडी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए फटाफट हम लोग पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सुना ये इसके करेंट अफेयर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज़ समाधान। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पहले वन बाय वन देखते हैं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मई 2021 से लेकर आपका जुलाई तक मिलता है, टॉपिक वाइज मिलता है, सुनना ये इसकी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँ थिकनेस, अगर तो ज़्यादा आपको उतनी ज़्यादा थिक नहीं मिलती, बट फिर भी एक डिसेंट मिलती है। रीज़न है ज़्यादा थिक हो जाने पर फिर आपको रिवाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है, 361 पेज है, बट अपने आप में एक थोड़ा सही है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये देखने में मिल रही है वो ये है कि आप देख सकते हैं पेज क्वालिटी बहुत ही मतलब सही है इसका। मुझे पहले डाउट था पेज क्वालिटी को ही लेकर कि पेज क्वालिटी जो है वो कैसा रहेगा, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो पेज क्वालिटी सही है, मतलब एक बुक डिसेंट क्वालिटी में देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग फटाफट से इसका जो है कंटेंट पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है इसमें कि हाउ टू यूज़ दिस बुक, तो यहाँ पर हाउ टू यूज़ दिस बुक में पूरा डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम इसको कंटेंट पार्ट में आ जाएं तो सबसे पहले आप इंडेक्स में देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, फिर स्कीम्स हैं, सारे स्कीम्स। सबसे अच्छा स्कीम में आपको यह देखने के लिए मिलेगा सारे मिनिस्ट्री वाइज कवर्ड है, ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है जो आमतौर पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा आप देखते हैं तो इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हेल्थ सेगमेंट है, फिर पॉलिटी है, पॉलिटी में सारे एक्ट्स बिल्स ये सारे, फिर इकनॉमी है, फिर डिफेंस, फिर कल्चर, उसके बाद आपको मिसलिनियस पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे कंटेंट था, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, मैं थोड़ा टॉपिक सिखाऊंगा। देखिए पूरी तरह से अगर ये बुक देखेंगे तो ये अपने आप में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट और जहाँ पर भी जिस चीज़ की ज़रूरत है पूरी तरह से ओवरलोडेड है, मतलब कॉन्टेंट में आप देखेंगे तो ओवरलोडेड है किसी भी पार्ट में। जैसे कि लेट से आप यहीं पे पहला टॉपिक अगर आप देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देखेंगे कि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स जो हैं जो कवर किए जा सकते हैं वो सारे ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि कवर्ड हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये देखने के लिए मिली ये थी कि क्योंकि इसका PDF भी अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपको करंट एस्पेक्ट तो देखने के लिए मिलता ही है, साथ साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक भी मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नाटो अगर न्यूज़ में है तो नाटो की पूरी हिस्ट्री और किस तरह से फॉर्मेशन है सारा कुछ हेडक्वार्टर से लेकर टोटल डिटेल में आपको देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से अगर ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो कोई छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सब आए हैं तो वो सारे भी आपको डिटेल में यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको ये देखने के लिए मिलता है कि स्टैटिक के साथ करंट कवर किया गया। अगर आपने प्री में देखा होगा एग्ज़ाम में तो बेसिकली आजकल अब ऐसा ट्रेंड हो चुका है कि करंट से लिंक करता हुआ जो है स्टैटिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो इसमें आपको जो करंट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं अपने आप में। और बाकी आप देख सकते हैं कंटेंट वाइज एक बहुत ही आपको सही देखने के लिए मिलता है बाकी सारी चीज़ें जो हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक, हाँ थोड़ा सा देखिए कंटेंट इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है और थोड़ा सा बल्कि आपको लग सकता है स्टार्टिंग फेज़ में, बट जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है कि हाउ टू यूज़ दिस बुक उस तरह से करते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। और एक ऐसी बुक है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, रीज़न है कि इसमें सारा ही एस्पेक्ट कवर है। आप कोई भी करंट अफेयर कंपाइलेशन लेते हैं आपको 7 से 8 बुकलेट्स देखने के लिए मिल जाती है, इसमें आपको सिंगल बुकलेट में सारा कुछ कवर देखने के लिए मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। फैब और मार्च ये सब के हैं तो आपको PDF मिल जाते हैं, वहाँ से आप थोड़ा सा वैल्यूएशन कर सकते हैं, बाकी आपको बहुत ही अच्छा कवरेज देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जहाँ तक हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अच्छा इनका मतलब रहा था, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे, क्योंकि कवरेज आपको बहुत ही अच्छा वास्ट यहाँ देखने के लिए मिलता है, इस कारण से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है।
तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आप करते हैं इसको तो एक आपको डिसेंट कमांड आपको देखने के लिए मिलता है इसमें, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो पूरा ही उसमें डिटेल में दिया है सारा कुछ, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये सारे चीज़ें दी गई हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, G4, ये सब आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसमें कवर किया गया है। फिर ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल रिलेशंस वाले। फिर एनवायरनमेंट, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही इसमें लगा कि एनवायरनमेंट इतनी अच्छी से कवर है ना, जो भी स्पीसीज जितने भी न्यूज़ में है ना उसमें सारा कुछ जो भी डिटेल्ड में चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें गिर लायन का दिया हुआ है तो वो इंडेंजर्ड है, इसके बाद शेड्यूल वन ऑफ WPA एक्ट 1972 में आता है, अपेंडिक्स वन में आता है साइट्स के में, इस प्रकार से फिर ब्लैक लियोपॉर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही अच्छे से आपको देखिए क्योंकि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में आपको पता है वो क्वेश्चन जो हैं वो आजकल इसी प्रकार से आ रहे हैं, क्वेश्चन जो हैं वो मेनली देखने के लिए मिलते हैं आपको, जो हैं वो करंट बेस पे देखने के लिए मिलते हैं, तो इस तरह के जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं। बाकी आप देखेंगे तो इसमें अनकन्वेंशनल टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं, जैसे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है तो स्पीसीज ये सारे हैं जितने भी वो सारे तो कवर किए गए हैं, इसके अलावा कुछ अनकन्वेंशनल थिंग्स भी जो हैं वो भी आपके यहाँ पर कवर देखने के लिए मिलते हैं। फिर मैं कुछ और टॉपिक्स आपको दिखाता हूँ एनवायरनमेंट के अलावा। एनवायरनमेंट देखेंगे बहुत डिटेल में कवर किया गया, इसलिए एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा पेजेस जो हैं वो अलॉटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए स्कीम्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मिनिस्ट्री वाइज जब स्कीम हो जाता है तो ये आपके लिए मतलब रिवाइज़ करना इजी हो जाता है, एग्ज़ाम में रिटेन करना इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार मिनिस्ट्रीज आते हैं ऐसे, तो देखिए ट्रिक्स भी होती हैं कि आमतौर पर मिनिस्ट्रीज जो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं वो गलत ही होती हैं मतलब, बट फिर भी आप इस तरह से जब मिनिस्ट्री वाइज चीज़ों को करते हैं तो वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हैंडी एंड यूज़फुल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे हैं। इसके अलावा अगर मैं स्कीम्स के बाद देखिए, स्कीम्स में भी अच्छा खासा अलॉटेड है। इसके बाद अगर आप देखें इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स भी आपको कवर देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद हम साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो साइंस एंड टेक भी आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक में आपके स्पेस ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर्ड हैं, इसके जितने भी मतलब साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो सारे कॉन्सेप्ट से लेकर सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसमें कवर किया गया है। इसके बाद अगर हम आते हैं, इसके बाद अगर हम अगले सेगमेंट पे आते हैं तो आप हेल्थ सेगमेंट देख सकते हैं। हेल्थ में जितने भी हैं जैसे डिसीज़ इन न्यूज़, ये सारे जो हैं वो सारे आपके कवर्ड हैं। फिर ड्रग्स ये सारे, आप लास्ट टाइम आपको पता होगा हेल्थ वाले से 2-3 अनकन्वेंशनल आ गए थे क्वेश्चंस, तो वो सारे भी लास्ट ईयर थे इससे, तो होप्स इस ईयर भी हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ही हैंडी है ये आपके लिए। एक बुक में आपको वन कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। पॉलिटी है, आप देख सकते हैं पॉलिटी में जितने भी अनकन्वेंशनल जैसे लक्ष्मीकांत ये सब में जो चीज़ें हैं वो तो हैं, इसके अलावा जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट ऑफ 1988 ये सारे हो गए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 ये सारे हो गए, तो ये सारे आप देख सकते हैं। ड्रोन्स रूल देखेंगे, टैक्सेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल अमेंडमेंट जो है ये सारे हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट ये सारे आप देख सकते हैं। तो ये सारी आपके पॉलिटी सेगमेंट में हो गई। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो इकनॉमी में आप देख सकते हैं, इकनॉमी में मेनली जो है करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक में आपको बैंकिंग पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक तो ठीक है बट करंट वाले में आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कवरेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं डिफेंस भी इसमें कवर्ड है, डिफेंस के भी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ऑल्दो ये सब उतना यूज़फुल नहीं रहता है, रीज़न है कि CSE में कम ही क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी कवर्ड कर दिए गए क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद अगर आप कल्चर देखते हैं तो कल्चर का भी बहुत ही अच्छा से आपको एस्पेक्ट देखने को मिलता है, सारे ही जो है कल्चर से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि कुछ पेजेस जो हैं इस प्रकार से शायद प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो उसकी वजह से थोड़े से टीयर्ड आउट हैं, बाकी ठीक है। मतलब बुक एक डिसेंट क्वालिटी में आपको देखने की मिलती है। फिर उसके मिसलिनियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखें कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आप ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 20 पेजेस 25 पेजेस में इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो सारे कवर्ड करवा दिए गए, तो ये यूज़फुल हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है, तो ये सारे आप देख सकते हैं। बाकी अपने आप में देखेंगे तो ये बुक आप लोगों के लिए जो है वो एक हैंडी और वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है करंट अफेयर के लिए। इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आपको 4, 5, 6, 8, 10 बुकलेट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है जब करंट अफेयर्स की बात आती है। बाकी तो इसमें वैल्यू एडिशन आपको मिलता ही है, ये जनवरी 2022 तक आपको कवरेज इसमें देखने के मिलता है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 लिंक पे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाता है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स दिए रहते हैं। और टेलीग्राम के लिए ASIS जो है सर्च करते हैं, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, ऑप्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे।
और प्रिपरेशन से भी रिगार्डिंग आपको बहुत सारे करंट अफेयर स्ट्रैटेजी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे चैनल पे चलती रहती हैं। तो इस तरह की लगातार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है ASIS, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको यूज़फुल कॉन्टेंट देखने के लिए मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।